स्टूडेंट, दिस इज योर जीके क्लास। बच्चों, हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में, वीडियो 3 में, चैप्टर नंबर 1 to 12 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों का जो फोर्थ वीडियो होगा, वीडियो 4th, उसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, 13 to 16, ठीक है। इस फोर्थ वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 से 16 तक पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वो ट्राइब्स ऑफ इंडिया ए लैंग्वेज लॉस्ट, ठीक है। भारत की एक जनजाति के बारे में बताया गया है, उस जनजाति की कौन सी लैंग्वेज लॉस्ट होती चली जा रही है, खोती चली जा रही है, उस लैंग्वेज के बारे में इस चैप्टर में हमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है एक आर्टिकल के माध्यम से। हमें चैप्टर 13 में एक आर्टिकल दिया गया है, इस आर्टिकल को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे आपको दिए गए हैं, उसको आप ट्रू फॉल्स के रूप में आपको ये दिया गया है, इसको आप करिए, ठीक है। रीड द आर्टिकल गिवन बिलोंग ऑन बो सीनियर, ए मेंबर ऑफ ए बो, वन ऑफ द ग्रेट अंडमानीज पीपल। एक बो नाम के सीनियर्स एक हैं जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने अंडमान निकोबार के बारे में बताया है कि उस जगह से कौन सी भाषा विलुप्त होती चली जा रही है, खोती चली जा रही है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें इस आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 10 जनवरी 2010 में लिखा गया है और इस आर्टिकल को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो करिए, ठीक है। वो सीनियर हु डाइड लास्ट वीक एज्ड अराउंड 85 वाज द लास्ट स्पीकर ऑफ आकाबो, वन ऑफ द 10 ग्रेट अंडमानीज लैंग्वेज। जो वो सीनियर हैं वो उनकी मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में ही लास्ट वीक में हुई थी और वो एक बो जनजाति के लास्ट वक्ता के रूप में थे जो अंडमान की एक भाषा थी, 10 ग्रेट भाषाओं में से एक थी और वो उन्होंने इस भाषा के बारे में अपना आर्टिकल लिखा था और बताया है, ठीक है। सी वॉज ए मेंबर ऑफ बो कम्युनिटी, वो एक बो कम्युनिटी की क्या थी, मेंबर हैं। डिसेंडेंट द अर्ली ह्यूमन हु माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका एंड अराइव्ड ऑन द अंडमान आइसलैंड अबाउट 65,000 ईयर एगो। आज से लगभग 65,000 साल पहले अंडमान में जो माइग्रेंट लोग थे, अफ्रीकन माइग्रेंट थे, उनके बारे में ये बताया गया है। आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। नीचे क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है और कंप्लीट करना है। राइट ट्रू फॉल्स, द एंसेस्टर ऑफ ए बो पीपल केम टू द अंडमानीज आइसलैंड फ्रॉम अफ्रीका। जो अंडमानीज आइसलैंड के लोग थे वो अफ्रीका के लोगों के क्या थे, पूर्वज थे, वो ये बात यहाँ पे बताई गई है। ये क्या होगा, ट्रू। फर्स्ट क्या होगा, ट्रू। सेकेंड, देयर आर 52 ग्रेट अंडमानीज ट्राइबल ग्रुप्स। सेकेंड फॉल्स। थर्ड फॉल्स। फोर्थ फॉल्स। फिफ्थ सिक्स ट्रू। सेवेंथ ट्रू। एट्थ फॉल्स, ठीक है। ये आप फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 14, जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 जो हमारा है, फिगर्स ऑफ स्पीच, चैप्टर नंबर 14 फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे हम लोग हिंदी में अलंकार के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपके दिए गए हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे करना भी है, ठीक है। Each colored box here explain types of figures of speech.
यहाँ पे कुछ कलरफुल बॉक्सेस दिए गए हैं, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है और उसके बारे में यहाँ बताया गया है। द स्पीच बबल्स बिलो आर एग्जाम्पल ऑफ दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, कलर ऑफ स्पीच बबल्स टू मैच द फिगर्स ऑफ स्पीच दैट दे रिप्रेजेंट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। पहला ब्लू कलर का यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें मेटाफर दिया है। ठीक है, मेटाफर के बारे में, मेटाफर जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, मेटाफर सेइंग दैट वन थिंग्स इज अनदर टू सो सिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं कौन सा इसमें मेटाफर है वो बताना है। तो जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट, वो यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, ये मेटाफर का हमारा एग्जाम्पल है। और ऊपर यहाँ बॉक्स में हमें डेफिनेशन दी गई है। सेकेंड है हाइपरबोला। ठीक है, ए ग्रेट एक्सग्रेशन हाइपरबोला का है, ए ग्रेट एक्सग्रेशन, इसको मैच करना है हमें। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, आई एम मेल्टिंग इन द हीट। ठीक है, मैं गर्मी से पिघल रहा हूँ, ये क्या है, हाइपरबोला का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल लेटर इन ए सीरीज ऑफ वर्ड, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो वो क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन। ठीक है, जैसे थर्ड दिया है सी सेल्स ऑन द सी शोर, सी सेल्स ऑन द सी शोर। देख यहाँ पे एस लेटर क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, सी देखिए एस लेटर जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सी सेल्स, सी सेल्स ऑन द सी शोर। ठीक है, यहाँ पे सी वर्ड क्या, सी लेटर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिली कंपेरिजन यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। तो यहाँ पे जो फोर्थ वन है, वी आर एज हैप्पी एज लार्क्स, ये हमारा सिमिली का क्या है, एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप फिगर्स ऑफ स्पीच ग्रामर में पढ़े होंगे, यहाँ पे भी इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा और इसको जाना। ठीक है, अब हम बेटा हमारे ये 15 चैप्टर हैं, जो हीट चैप्टर का नाम है हीट, हीट का मतलब ही हम लोग जानते हैं ऊष्मा। ठीक है, हीट का मतलब ऊष्मा। हम लोग अब इस चैप्टर में हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ डिपेंड ऑन हीट, हमारी लाइफ डिपेंड है हीट पे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक द राइट आंसर टू बिल्ड एफेक्ट लाइफ ऑन हीट, अब हमें इसमें कुछ आंसर को फिल करने हैं जो सुटेबल हो और इस सेंटेंस को क्या कर दे, ये कंप्लीट कर दे। क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है, अंडर देयर थिक फर पोलर बियर्स हैव डैश स्किन विच हेल्प देम टू सोक इन द वार्म रेज ऑफ द सन। जो पोलर बियर है उसकी जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर की होती है और वो हीट को क्या करती है,
एब्जॉर्ब करती है वार्म रेस से जो सनलाइट आती है उसको, वो उसका जो फर होता है उस लाइट को उसकी बॉडी तक पड़ने नहीं देता है और वो क्या करता है उसको हीट से सेव करता है। और वो किस कलर की होती है उसका जो बॉडी होती है, ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या हमें हीट अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है और हमें गर्मी महसूस होती है। सेकंड, ए रूम फिटेड विथ एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ ए ग्लास, सॉरी एक्सटेंसिव एरिया ऑफ ए ग्लास टू एडमिट सनलाइट इज कॉल्ड ए। ठीक है, इसका सेकंड सही आंसर होगा हमारा सोलेरियम। ठीक है, थर्ड, ए डिवाइस दैट कूल्स द इंजन इन ए व्हीकल्स इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो किसी व्हीकल्स के इंजन को क्या करता है, कूल करता है यानी ठंडा करता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, तो उस डिवाइस को कहते हैं रेडिएटर, रेडिएटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडिएटर। फोर्थ, ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, साइंस की वो शाखा या वो ब्रांच जो हीट और अदर एनर्जी में संबंध स्थापित करती है या बताती है, वो क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। फिफ्थ, टू बी द इंजर्ड विथ ए वेरी हॉट लिक्विड और स्टीम इज टू बी, अगर कोई किसी हॉट लिक्विड से या स्टीम से इंजर्ड हो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग स्कैल्डेड। ठीक है, स्कैल्डेड। ठीक है, सिक्स, ए कुकिंग मेथड दैट डज नॉट इन्वॉल्व हीट इज, ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, नॉन ऑफ दिस। सिक्स, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर सेवन, टू हीट समथिंग बिफोर हैंड इज टू प्री हीट, इसका सेवन का जो राइट आंसर होगा प्री हीट। इस तरह से आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट, थ्री सन गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स आर, राइट आंसर है सूर्य, हेलियोस, रा। ठीक है, नाइन्थ, द इन्वेंटर ऑफ द मर्करी थर्मामीटर वॉज, मर्करी थर्मामीटर की जो खोज की थी किन्होंने की थी, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। ठीक है, मर्करी थर्मामीटर की जो खोज की थी, वो खोजकर्ता जो थे वो कौन थे, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर नाइन, फारेनहाइट। ठीक है, इसी तरह से टेंथ, इन द पॉपुलर फेयर लेट गोल्डी लॉग डिड नॉट ईट पापा वेयर्स, इसका राइट आंसर होगा ए, टू हॉट। ठीक है, इलेवेंथ, थर्मल गारमेंट्स रिटेन हीट, थर्मल गारमेंट्स क्या करता है, हीट को रिटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 16 है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 16 में लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 हमारा क्या है, लाइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 लाइंस।
लाइंस। अब इसमें हम लोग कुछ लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, पढ़ेंगे। बेटा हमारा ये 16 चैप्टर है लाइंस, इसमें हम लोग लाइंस के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। ए लाइन इज ए वाइटल एंड बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री एज वेल एज विजुअल आर्ट। इन आर्ट ए लाइन इज ए मूविंग डॉट और ए मार्क मेड यूजिंग ड्राइंग टूल और ब्रश। किसी भी लाइन को हम लोग डॉट 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 करने के बाद हम लोग उस पर क्या बना सकते हैं, लाइन। और ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। इसको हम नाम दे दें ए और बी। डॉट डॉट से हमने क्या बनाया, डॉट डॉट करके हमने एक लाइन बनाई, और उस लाइन के बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन। लाइन से हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। हम लोग ज्योमेट्री के बारे में इस लाइंस के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है हमें, ए चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस मीट एट ए पॉइंट। क्या पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन हम लोग जानते हैं, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो लाइंस एक दूसरे को कहीं पे ना काटे, सीधी क्या हो जाए, निकल जाए, यानी अगर काटे भी तो कहाँ पे काटे, इनफाइनाइट पे, अनंत पे, ठीक है। पैरेलल लाइंस मीट एट ए पॉइंट, सही बात है ये। क्या पैरेलल लाइंस किसी पॉइंट पे जा कर के मिल जाती हैं? क्या ये दोनों लाइन कहीं पे जा कर के मिलेंगी? नहीं। अगर मिलेंगी भी तो इनफाइनाइट यानी अनंत, और अनंत कहाँ पे है वो हमें पता नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका जो होगा, डू नॉट मीट एनी वेयर, पैरेलल लाइन कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, डू नॉट मीट एनी वेयर, पैरेलल लाइन कहीं पे नहीं मिलती हैं। सेकेंड, द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अक्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल्स। हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है अक्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ पे क्रॉस करती हैं, राइट एंगल पे। ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इक्वेटर, ठीक है। तो द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड अक्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट एंगल, ठीक है। थर्ड, ए नेटवर्क ऑफ लाइन दैट अक्रॉस ईच अदर टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल इज कॉल्ड ग्रिड, ठीक है। आपने रेलवे लाइन देखी होगी, बहुत सी लाइनें अक्रॉस करती हैं एक दूसरे को फ्रॉम सीरीज ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल के रूप में, वो क्या बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं, ठीक है, ग्रिड, ग्रिड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए लाइन डज नॉट हैव लेंथ डैश ब्रेथ, इसका राइट आंसर होगा ब्रेथ, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर एक एक सारे क्वेश्चंस करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट दिस फैक्ट ऑन इंटरेस्टिंग लाइन यूजिंग वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमें कुछ हेल्प बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं, उनका यूज करके इस फैक्ट को क्या करना है, पूरा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन डैश। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो कहाँ का रेलवे, रसिया का, रसिया जिसे हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन कहाँ की है, कौन सी है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे की है, और ये कहाँ का रेलवे है, रसिया का है। इट कनेक्ट द सिटीज ऑफ मॉस्को एंड वाल्डिवोस्टोक, मॉस्को से लेकर
वेला डी वॉस्टॉक तक कनेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, इन इंडिया डैश गुजरात, सेकंड क्या है, गुजरात, गुजरात इज द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ की कोस्ट लाइन है, गुजरात की। थर्ड, एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट वेयर टू और मोर रोड्स और लाइन्स मीट, जैसे एक रोड या एक लाइन इधर से चली आ रही है, एक इधर चली आ रही है, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे आकर के सारी क्या हो रही है, मिल रही हैं। वन ऑफ द बिजिएस्ट इंटरसेक्शन ऑफ द वर्ल्ड शिबुया क्रॉसिंग इन टोक्यो, कहाँ की है ये, थर्ड में हमारा टोक्यो, और टोक्यो ये कहाँ की है, जो सबसे बिजी और बेस्ट लाइन है टोक्यो जापान की। वेयर अप टू द 2500 पीपल अक्रॉस रोड द टाइम ड्यूरिंग रश आवर, लगभग 2500 लोग रश आवर में यहाँ पे रोड को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। फोर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फोर्थ में हम फिल करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द इंडियन स्टेट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे राज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं और यहाँ से ये सारे गुजरते हैं, इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में मैच द कॉलम करेंगे और इसको मैच करने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैच द लाइन, क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग मैच द कॉलम क्वेश्चन नंबर सी मैच द लाइंस, मैच द लाइंस देयर मीनिंग, मैच द लाइंस देयर मीनिंग। फर्स्ट वन इज बॉटम लाइन, ठीक है। बॉटम लाइन किसे कहते हैं, डी ऑप्शन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉटम लाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग वन को डी से मैच कर देंगे। सेकेंड, पुट समथिंग ऑन लाइन, ऑप्शन नंबर एफ, टेक ए चांस ऑफ ए चांस और ए रिस्क, सेकेंड। थर्ड, फॉल हुक लाइन एंड सिंकर, इसको हम लोग जी से मैच करेंगे। बी कंप्लीटली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, ठीक है। फोर्थ, समवन वेयर डन द लाइन, इसको एच से मैच कर देंगे। इस तरह से आप मैच करके ग्रुप में सेंड करिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।